हे गाइस, आप सबके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। और अभी इवनिंग का टाइम, मैंने एक ब्लॉग को एंड किया है और एंड करने के बाद अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ। वाओ का फेस वॉश है ये, उपटन फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश, बहुत अच्छा है और आप सभी ले सकते हैं। और मेरे घर में मतलब वो मैया जी का गीत होता है ना, वो हो रहा है और हम लोग को जाना है थोड़ा सा बाहर, तो मैं सोचती हूँ चलो शाम के टाइम भी ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और सुबह मैंने एक ब्लॉग को एंड किया है, अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 6 ब्लॉग में एक दिन में मेरा 2 ब्लॉग होगा, क्योंकि एक ब्लॉग में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकती ना, तो मैंने सोचा कि एक दिन में मेरा लगता है 2 ब्लॉग तो होने वाला है। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, ये साड़ी मैं चेंज कर दूँगी और मैं पहनूँगी अपना ये वाला साड़ी। चलिए मिलते हैं। और कैमरा स्टैंड मैं अपने भांजी को बनाई हूँ, टाइम में मोबाइल यही लगाई अपनी साड़ी में ना, मतलब नया नहीं है, लाइक मेरी शादी के टाइम का साड़ी है और ये ब्लाउज फुल स्लीव का था, मैंने सोचा बस ये स्लीव बनाया है। और कैसा लग रहा है ये साड़ी मुझे देख लीजिएगा, ये इसका पूरा ऐसा वर्क किया हुआ है, धागे का वर्क एडिशन लगेगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं, मिलते हैं। कोई बच्चा नहीं जा रहा है, सिर्फ मैं, राहुल जी मेरी सेकंड नंबर वाली, सॉरी मेरी थर्ड नंबर वाली ननद और मेरी फोर्थ नंबर वाली ननद, मेरे एक भांजा, बस और कोई नहीं जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बल्कि बस मुझे थोड़ा सा ना हेयर ट्रीट करना है, चलिए चलते हैं फटाफट। यहाँ पे मार्केट में आए थे, थोड़ा सा दुर्गा पूजा का मतलब जैसे माता रानी का थोड़ा दर्शन करेंगे। यहाँ पे छोटा सा पंडाल बना था, इस बार कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं बना, तो यहाँ पे हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए मैं, मेरी ननद और राहुल जी रुके थे। उसके बाद चलिए घर पहुँच के मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं घर पहुँच चुकी हूँ, बट वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था। और उसके बाद जब लोग पहुँचे थे तो मम्मी खाना वाना बना चुकी थी, तो चलिए फटाफट खाना खा लेते हैं। मैंने अपना साड़ी चेंज करके मैंने नाइटी पहन लिया है और यहाँ पे मेरी ननद भी नाइटी पहन चुकी है। उसके बाद हम लोग रिलैक्स होकर खाना खा रहे हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ, मॉर्निंग में मिलती हूँ आप सबके साथ, थोड़ी बहुत बातें करूँगी मॉर्निंग में। तो चलिए गाइस मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक मैं अब खा पी के आराम करूँगी, थोड़ा सा वीडियो एडिट करूँगी, आप सबके पास जाएगा वीडियो। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे गैस के स्लेब को साफ़ कर रही थी। उसके बाद मम्मी यहाँ पर मिथौड़ी, जिसको कहते हैं बड़ी कहते हैं, वो मम्मी बना रही है और मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो मैं अभी किचन में पोछा लगा रही हूँ और मेरा खाना जो बनता है, अभी जो आप देख रहे थे गैस में पोछ रही थी, वो पुराना वाला मेरा किचन है, नया वाला किचन है। मम्मी अभी खाना नहीं बना रही है क्योंकि मम्मी कहता है कि वो किचन गंदा हो जाएगा, तो अभी फ़िलहाल वो उसी में बना रही है और पता नहीं इसमें अभी मम्मी कब बनाएगी। और मुझे तो आप सबको पता है कि मैं 2 से 3 दिन के लिए आती हूँ, तो फिर मैं क्या बोलूँ कि हाँ मम्मी इसी में बनाई है। जब मैं प्रॉपर अगर यहाँ पे रहती तो सोचती कि हाँ चलो ठीक है इसी में बना लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। और आप सबको पता है मैं अभी मतलब कि जो वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, मतलब सच में मतलब वीडियो एडिट करना बहुत ही, मतलब मेरे ससुराल में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो जाता है वीडियो एडिट करने में। उसके बाद मैं यहाँ पे हॉल में आ चुकी हूँ पोछा लगाने के लिए, और पूरे घर को भी पोछा लगाना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो और हाथों से पोछा लगाना, सच में अगर मैं यहाँ पे अगर एक मतलब कंटिन्यू यहाँ रह गई और ऐसे हाथों से पोछा लगाते रही ना, तो शायद मुझे एक्सरसाइज करने का एक ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे समझ से, सच में। मतलब उसका यहाँ पे मेरी ननद है ना, तो वो यहाँ पे सब्जी निकाल रही थी, सब्जी कट करने के लिए, तो मैं तब तक सोची पोछा लगा लेती हूँ कि फटाफट ऐसे काम जल्दी निपट जाएगा।
वरना एक बार जो काम होता है ना, मतलब आप रुक रुक के काम करो। मॉर्निंग में है कि मॉर्निंग का काम है तो मतलब जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे वीडियो शूट कौन कर रहा है, तो ऑब्वियसली राहुल जी कर रहे हैं, तभी इतने अच्छे से वीडियो शूट कर पाए। और नहीं तो अगर ट्राईपॉड में रखती तो बार बार इधर से उधर करना पड़ता, उतना देर में मैं सोचती कि मैं अपने घर को ही क्लीन कर लूँ। तो बस ससुराल में मतलब एक दो दिन और ससुराल में रहना है, उसके बाद तो यहाँ से मुझे निकल जाना है। आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मैं आपके सपोर्ट के बिना मतलब तो कहीं भी नहीं जा सकते आपके सपोर्ट के बिना। तो इस तरीके से मैं मतलब सारे घर को क्लीन कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी निकाल रही थी तो राहुल जी थोड़े शूट कर लिए थे तो मैं भी डाल दी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और बाबू की तो मस्ती, मतलब आप लोग सब पूछ रहे हैं बाबू कहाँ है, बाबू कहाँ है, बाबू का तो मस्ती इतना चल रहा है ना, मैं आपसे क्या बताऊँ। तो यहाँ पे इस रूम में भी मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। और उसके यहाँ चलती हूँ, आपको बाबू की थोड़ी बहुत मस्ती दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा मतलब आजकल वो बदमाश हो गया है, देखिए मिन्नत का बेटा जो है ना उसको कैसे मार रहा है। मतलब यहाँ पे मुनि दीदी उसको धमका रही है, तो उसको तब गले लगा रहा है, आप देख सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा बदमाश हो चुका है ना कि मैं मतलब क्या बताऊँ। मैं सोच रही हूँ कि ऐसी बदमाश रहा तो क्या होगा। वैसे तो ये बात तो सही, बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बट ये कुछ ज्यादा बदमाश हो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो हॉल है या फिर कुछ है बहुत अच्छे तरीके से अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। अब मैं जब सब कुछ ऑर्गेनाइज करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। बट यहाँ पे मेरे ससुराल में जैसे होता है ना, कोई चीज़ का केयर बहुत कम हो पाता है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ कितना करेगी, सास मेरी कितना करेगी। तो जितना वो कर रही है वो बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मतलब पूरे घर को संभालना, मैनेज करना इस एज में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो मेरी हेल्प कर रही है। वरना मतलब मैं सच में मतलब उनकी तरह मैं तो काम नहीं कर सकती हूँ। तो वो जितना क्लीन करके रख रही है सब कुछ मेंटेन करके, वो मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी बात है, लिटरली बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मम्मी यहाँ पे बड़ी बना रही थी तो मैं आप सबके वही दिखा रही थी। तो मैं अपने ब्लॉग को सोचू की एंड कर लेती हूँ, 2 मिनट बैठ के एंड कर लेती हूँ। तो अच्छा खासा धूप आ रहा है इस साइड से, सुबह में ठंड वाला मौसम था। यहाँ भी सेम अररिया की तरह, यहाँ 12 बजे रात के बाद से इतना ठंड लगने लगा, फिर लोग फैन वैन बंद कर दिए। उसके बाद मतलब तब चादर उधर ओढ़ के सोए, ऐसा इतना ठंड लग रहा था। चलिए गाइस, तो मैं सोची ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ। कल शाम से मेरा ये ब्लॉग स्टार्ट है और अभी मैं मॉर्निंग का टाइम है, जो भी तक क्लीनिंग का काम हो चुका है। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज मुझे कहीं जाना भी है, तो मैं वो आप लोग के लिए सरप्राइज़ है कि मैं मतलब क्या करने वाली हूँ, नहीं करने वाली हूँ, तो उस वजह से मैं उस टाइम से ब्लॉगिंग शूट करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। मिलूंगी आप सबके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर।